नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल और अभी हमें देवदा बांसवाड़ा गवर्नमेंट स्कूल देवदा बांसवाड़ा की फिजिक्स की लैब में जहाँ हम आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आगे के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट हमने पहले कर लिए हैं, उन्हीं में से हम आगे बात करेंगे। आगे की आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मीटर ब्रिज का मीटर ब्रिज के तीन उपयोग हैं। एक उपयोग में से हम पहले करके वीडियो डाल चुके हैं, आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो रीडिंग जो सही नहीं आती है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ईजी है। ईजी वे में आप कनेक्शन भी कर सकते हैं, दो मिनट में समझ में आ जाएगा। और जो दिक्कत आती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर, कि अब डिफ्लेक्शन ही एक तरफ आ रहे हैं। किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी क्या रहती है तो मैंने देखा है पिछले 10 साल में कि जब हम यहाँ जोकी से आगे मूव करते हैं इसमें, तो हमारा जो विक्षेप है जो जीरो आना चाहिए, जो संतुलन की स्थिति आनी चाहिए वो आती है लगभग 90 पे पहुँच जाती है, 92 पे पहुँच जाती है, 95 पे पहुँच जाती है, यानी 80 से ऊपर पहुँच जाती है। एक बात तो वो जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। दूसरी बात, वहाँ आपने ज़्यादा वैल्यू निकालनी हो तो ज़्यादा वैल्यू अपने नहीं निकाल सकते, वहाँ बहुत ही कम निकाल पाते हैं। एक वैल्यू में जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तभी दूसरी वैल्यू जो होती है वो सिरे पे कॉर्नर पे टच हो जाती है। तो हम उसकी बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा सारी बातें। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं। सर वो एक मीटर ब्रिज है ना, ये मीटर ब्रिज है अपने पास, दिखाई दे रहा है ये मीटर ब्रिज है। इसके संरचना देखो, ये थ्योरी में भी है, ये टॉपिक प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी पूछ लेते हैं ऐसे टॉपिक। इसकी संरचना क्या, इसमें एक लकड़ी का बोर्ड लगा रहता है, एक लकड़ी का बोर्ड है, ये लकड़ी का है और कुछ नहीं इसमें। और इसके ऊपर क्या है, ये मेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है, धातु की पट्टियाँ लगी रहती हैं। इसमें एक एल आकार की पट्टी है, ये एल आकार की है, ये वाली इतनी लंबी दिखाई दे रही है, ये एल आकार। इसके बीच में एक सीधी है, इधर भी एक एल आकार की, दोनों ओर एल आकार की पट्टियाँ हैं। यहाँ पेच लगे हुए हैं, कुछ दो पेच यहाँ लगे हुए हैं, दो इधर लगे हुए हैं, एक उस कॉर्नर पे एक बीच में है। तो इन्हीं से हमें कनेक्शन करना है। इसके नीचे एक मीटर लंबाई का स्केल लगा हुआ है जिसपे सेंटीमीटर में मेजरमेंट लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 100 तक ऊपर भी लिखे हैं, नीचे भी लिखे हैं। हमें कौन सा मान पढ़ना है वो भी हम बात करते हैं। अब देखो, इसकी संरचना जब हमें थ्योरेटिकली बतानी हो तो संरचना वैसे थ्योरी की क्लास में है, ये वही आप देख ले तो ज़्यादा बढ़िया है। वो चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल दे रखी है, विद्युत परिपथ जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर इसके बारे में डिटेल है। इसके अंदर एक मीटर ब्रिज पर एक मीटर लंबाई का एक मीटर स्केल लगा रहता है, स्केल लगा रहा है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसके यहाँ दो जो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस तार का यूज़ किया जाता है जिसका प्रतिरोध निकालना है। अब ये काम क्या आता है, ये तीन प्रयोग हमारे सिलेबस में है इसके अंदर, जिसमें एक एक करके करेंगे सारे। पहला प्रयोग तो इसके अंदर है कि किसी भी तार का, दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। जैसे हमारे पास ये तार के टुकड़े रखे हैं, जैसे ये दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन है ये मेरे पास, तो इस तरह के तार के टुकड़े रहते हैं अपने पास, इनका हम प्रतिरोध बता सकते हैं कि इस तार का प्रतिरोध कितना है, एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरा जो प्रयोग है वो है कि अगर इनको श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि श्रेणीक्रम में R बराबर R1+R2 होता है, 10वीं क्लास में बहुत डिटेल से आता है, 12वीं में भी आता है, अपने सिलेबस में भी। तो यहाँ अगर श्रेणीक्रम का मतलब होता है एक तार का अगला जो सिरा है, नज़दीक से दिखा देता हूँ, अगला जो सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से इस तरह से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो श्रेणीक्रम होता है। अब ये श्रेणीक्रम में जुड़ गए, ये श्रेणीक्रम है, तार की लंबाई हो गई, बढ़ गई, दोनों तार कनेक्ट हो गए। अब इधर वाला सिरा एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, इधर वाला दूसरे पॉइंट पे जहाँ में निकालना है वहीं इस तरह से जोड़ देंगे, जैसे एक तार मैंने पहले से जोड़ रखी है। तो ये श्रेणीक्रम है। श्रेणीक्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना है दूसरा प्रयोग। सत्यापन का मतलब ये है कि हमें पता है, थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, किताबों में सोल्व कर लिया कि R=R1+R2 होता है, लेकिन हमें ये प्रयोग से भी करके दिखाना है कि रियल में R=R1+R2 होता है। दूसरी बात होती है कि तीसरा जो प्रयोग है वो है इसका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि दोनों तारों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि दोनों तरफ के सिरे एक बिंदु पर इस तरह एक तरफ कनेक्ट कर दिए जाएं और दूसरी तरफ के इस तरह एक पर जोड़ दिया जाए, इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो है कहलाता है समांतर क्रम।
तो समांतर क्रम में थ्योरेटिकली हमने बात पढ़ रखी है हमने ये चीजें सब कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 होता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सिद्ध करनी है कि वास्तव में ये ऐसा ही होता है जब हम रिजल्ट भी निकालते हैं तो इसी के अनुरूप हमें प्राप्त होते हैं। माइनर मिस्टेक जो होती है वो हम थोड़े सामान्य तरीके से प्रयोग करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक उसके अंदर हो सकती है। वो मिस्टेक इस प्रकार से होती है, वो तारों के संयोजन में होती है। हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी हम मीटर से बुक की प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। इसमें हम सोल्व करेंगे तारों का, तार का दिए गए तार का मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द मीटर ब्रिज बाय मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज से सोल्व कर रहे हैं हमने इसको, अब प्रयोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ में अभी बात कर लेंगे इसके अंदर कि क्या प्रॉब्लम रहती है इसमें। पहले तो बात करते हैं कनेक्शन की, फिर बात करेंगे प्रॉब्लम। कनेक्शन इसके कैसे करने हैं, देखो ये हमारे पास दो पेच है इधर, इनमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में लगाते समय आप ध्यान रख लें कि इसकी सारी की निकाल के, एक बार सारी की निकाल के इसको ब्रश से साफ कर लें। ऐसा ब्रश रख लिया लैब के अंदर, नहीं है तो घर पे पेस्ट का, अगर जो टूथपेस्ट करते हैं अपने उसका खराब ब्रश भी है तो उससे भी हो जाएगा अपना, अगर अपना काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाती है, कपड़े से साफ हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी रेत फंसी रहती है तो वो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाती है। इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और कोशिश करें इसको थोड़ा थोड़ा रेगमाल यहाँ लगा लें, रेगमाल से साफ कर लें, थोड़ा सा घिस लें। बाई चांस किसी एक जंग लगी होगी तो वो फिर वो रेजिस्टेंस लगे होने के बाद भी वो ऐसे बिहेव होगा कि वो वहाँ से निकला हुआ है। मान लो 10 ओम के रेजिस्टेंस जहाँ आपने लगा रखा है उस की में जंग लगी हुई है, इस पे जंग लगी हुई है, आपने इसको नहीं घिसा तो इसका तो यूज ही नहीं हो रहा हुआ, तो ये लगे होने के बाद भी वैसे ही है जैसे निकली हुई है, उसका मतलब वही है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो हमने जब 1 ओम का प्रतिरोध निकाला है तो रियल में 11 ओम का निकला हुआ है क्योंकि 10 ओम वाला लगा हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा, तो रियल में तो वो जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 11 ओम की है। तो ये कारण भी रहते हैं जिसके कारण रीडिंग सही नहीं आती है। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहले ही ध्यान रख लें तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती है, रीडिंग लेते समय जब हम काम करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, उसमें गलती नहीं आएगी। तो कनेक्शन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे पहली बात यहाँ ज़रूर गड़बड़ होती है। दूसरा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ इनको सभी को आप पहले प्रयोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे, क्लियर। अब देखो इसका एक सर्किट जो है वो तो क्या है, यहाँ से हमें कनेक्शन देना है, हमें बैटरी लगानी है, तो बैटरी हमेशा यहाँ सीरीज में लगेगी, तो दो ही चीज़ लगानी हमें, बैटरी और कुंजी की। तो बैटरी ये यहाँ से की लगा दी हमने इसमें और इधर लगा दी बैटरी, चाहे बैटरी पहले लगा दो की बाद में लगा दो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका दूसरा जो कॉर्नर है उसको यहाँ जोड़ दिया, ये हमें बाहर से जो एक्सटर्नल जो करंट दे रहे हैं वो तो हो गया इसके अंदर फ्लो। अब ये दो टर्मिनल बीच के हैं, जब तक ये खुले रहेंगे तब तक इधर ये फ्लो नहीं होगा, ब्रिज नहीं बनेगा, जो ब्रिज स्ट्रक्चर होती है जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या करो, आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, रेजिस्टेंस बॉक्स, क्लियर। दूसरी बात बची फिर इधर वाले दो बचे पेज, इनके बीच में वो तार लगा दो जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। मैंने ये तार लगा दिए जिसका प्रतिरोध हम सोल्व करेंगे। अब बचा बीच का एक पॉइंट, हमें इसके लिए संतुलित लंबाई चाहिए, तो संतुलित लंबाई के लिए क्या करेंगे, ये जो वायर है ये लगा देंगे गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड पार्ट है उसको कनेक्ट कर देंगे अपने किसे, जोकी से, और जोकी को हम मूव करवाएंगे वायर पे, जोकी को तार पे मूव करवाएंगे और रीडिंग लेंगे, संतुलन की लंबाई हम प्राप्त करेंगे। संतुलन क्या होता है कि जब धारा मापी में बी और डी जो बिंदु लेते हैं हम थ्योरेटिकली, उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या हो जाए, प्रतिरोध का मान बराबर हो जाए, तो गुजरने वाली धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वहाँ पर विभव समान हो जाता है, एक्चुअल में विभव वोल्टेज की वैल्यू समान हो जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, वो हम थ्योरी में बात करते हैं उनके बारे में। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पर क्या होगा, ये विक्षेप जीरो आ जाएगा, वो अभी हम देख रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा सर्किट है इसका, इस सर्किट में
बैटरी में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी साइड लगा दें कैसे भी कनेक्शन करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी यहाँ प्रतिरोध बॉक्स पे आएगी प्रॉब्लम। इसको जरूर आप, जैसे मैंने बताया था, पूरा 2-3 मिनट एक बार लग रहे हैं वो लगा लें आप इसके ऊपर, ठीक है। अब हम दूसरी बात, पहले रीडिंग देखते हैं कैसे लेनी है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या है अपने पास सोल्व करना है हमें प्रतिरोध। तो मेरे पास ये पेपर बोर्ड है, इसके मैं मार्कर से लिख के दिखा देता हूँ, दिख जाएगा वो हमें क्या क्या याद करना है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या एस, एस से लिख रहे हैं प्रतिरोध, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें टेबल जो बनानी है वो क्रम संख्या आर बी से लिया गया प्रतिरोध, जैसे बुक में लिखा हो उसमें से आप देख लेना। फाइल वर्क कैसे करना है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो उस पर भी हम एक वीडियो डाल देंगे कल परसों तक, तो उसमें देख लेना आप। और तीसरा बात इसमें लेते हैं, तार पर संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई, इसको लिखते हैं एल सी, इसको लिखते हैं आर सी, आ जाएगा फिर 100 माइनस एल, क्योंकि क्या होगा अभी बात कर रहे हैं, फिर बात आएगी अज्ञात प्रतिरोध एस का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस एल अपॉन एल गुणा आर, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, गुणा आर यहाँ लिखा हुआ नीचे। अब इसमें हमें ये रीडिंग निकाल के लिखनी है सारी। देखो बेसिकली रीडिंग हमें लैब में क्या करना है, केवल किसका मान निकालना है, केवल एल का मान निकालना है। आर का तो यहाँ से देख लेंगे भाई, एक ओम निकाल दिया, दो निकाल दिया, तीन निकाल दिया, हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से एल का मान निकालना है। एल का मान कैसे निकालेंगे, पहले हम सर्किट को चेक करेंगे, जब दोनों तरफ लगाएंगे तो दोनों तरफ विक्षेप जीरो अलग अलग दिशाओं में आना चाहिए। इस पॉइंट पर टच करेंगे वायर को तो इस दिशा में विक्षेप किसी एक डायरेक्शन में आएगा, दूसरी तरफ करेंगे तो डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों तारों के सिरों की अगर हम बात करें तो सिरों पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका संतुलन बिंदु कहीं ना कहीं होगा, यानी इसके तार में कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जिस पर बिंदु क्या आएगी, जीरो आएगी। जब धारामापी में करंट जीरो होता है उस समय धारामापी जो है वो संतुलन की स्थिति में होता है, परिपथ जो होता है पूर्णतः संतुलन की स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं इसकी रीडिंग कैसी लेगी। अब देखो अब आगे हम इसकी रीडिंग की बात कर रहे हैं, सेल मैंने लगा दी है बैटरी, ये बैटरी रेटेड वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं आप, एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालना है, संतुलन की लंबाई यहाँ से निकालनी है, बस केवल ये 2 काम करने हैं, फिर दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग इस तरह से 6 रीडिंग ले लेनी है आपको। और फिर देखो 100 माइनस एल करना है तो 100 में से घटाना है, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है मीटर ब्रिज की, 100 में से घटा के लेनी है। फिर आगे सूत्र लगाना, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, तो सारी वैल्यू उसके अंदर रखनी है, वो कैलकुलेशन का काम है, वो सारा लैब से बाहर का काम है, तो उसके अंदर कोई हमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल ईजी सा है, अगर हम थोड़ा तरीके से करें तो मुश्किल से 3-3.5 मिनट लगते हैं बैटरी करने में इसमें, अगर पूरा सेट हो तो, थोड़ा सा टाइम सेट करने का अलग है, उसमें ज़रूर टाइम लग जाता है कभी। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है ब्रेडर्स को, जैसे ही आप चेक करेंगे तो इधर लगाएंगे नीडल, तो क्या होगा, देखो सुई इधर आ रही है इसकी, एक साइड में टच हो रही है, दिख रही है। जैसे ही हम इसके दूसरे कॉर्नर पे लगाएंगे वैसे ही ये जो नीडल है वो दूसरी साइड जानी चाहिए, जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु पर डायरेक्शन करंट इधर है, उस बिंदु पर इधर है, इसका मतलब बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जहां पर क्या होगा, जहां पर संतुलन की अवस्था हमें प्राप्त होगी। संतुलन की अवस्था, संतुलन का मतलब है उस बिंदु पर करंट की वैल्यू जीरो होगी, उस बिंदु पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उसी स्थिति में क्या होता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इधर के जो रेजिस्टेंस है इधर के रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर हो गए। तो अब यहाँ तो ये तो रेजिस्टेंस इसका हो गया आर बी से ले लेंगे, इसका हमें निकालना है। अब बचे क्या, 2 रेजिस्टेंस पी और क्यू, वो कहाँ से आएंगे, तो प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो जब हम इसके लंबाई ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, एक्चुअल में लंबाई की फॉर्म में प्रतिरोध ही ले रहे हैं, क्योंकि जितनी लंबाई उतना प्रतिरोध, जितनी लंबाई उतना प्रतिरोध। तो इधर का प्रतिरोध P जो है वो यहाँ से आएगा, इधर का प्रतिरोध 100 माइनस L करने पर आएगा, क्लियर। अब हम इसकी रीडिंग लेने हैं, रीडिंग लेने के लिए आप यहाँ से प्रतिरोध कितना भी निकाल लें, अपनी इच्छा है किसी भी अलग वैल्यू ले सकते हैं। इसमें पॉइंट से लगे हुए हैं, देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये दिखाई दे रहे हैं,
पॉइंट, फिर 2.5, 1, 2, 2, 5, 10, तो इससे जो चाहिए वो हम बना सकते हैं। मैं एक से शुरू कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 ओम का प्रतिरोध हमने निकाल लिया, तो यहाँ आपको साथ साथ क्या लिखना है, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चलना है इधर से, और आप इस पर देखोगे कहाँ पर वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ये आ गया 0। अब मान पढ़ने वाला देख लो क्या है, कि हम इधर से चले हैं तो हमें बढ़ते क्रम में मान देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ते हुए हैं, उल्टा नहीं चल रहे हैं, ये 100 से शुरू हो रहे हैं, 100, 99, 98, 97 से चल रहे हैं, तो हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। प्रतिरोध बॉक्स वाली साइड से हमें रीडिंग लेनी है, इधर से हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ से देखेंगे तो जैसे 25.5 आ रहा है, तो आपको एक बात ध्यान रखना, अभी जो एक्चुअल वैल्यू आई वो ही लिखनी है एग्ज़ाम में और फाइल के अंदर भी, जब भी आप करें तब भी। तो 25.5 है तो 25.5 ही, ये नहीं है कि अपने कैलकुलेशन करने के लिए, आसान करने के लिए क्या करें आप उसको 25 लिख दें, चलो बढ़िया है, 100 में से घटाना भी आसान हो जाएगा, पिछहत्तर आ जाएगा, भाग देना भी आसान है, कलेश ही खत्म, कुछ करना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि देखो 25 और 26 के बीच में 10 लाइनें हैं, 0.1, 0.2, 0.3, तो क्या 0.1 से 0.9 तक कोई वैल्यू नहीं, आपकी सारी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, या तो आपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिखा है या आपने नकल मार के लिखी है ये सब चीज़ें। तो इसको एक्चुअल करें, कैलकुलेशन हम जब गुणा भाग करेंगे तो उसके भी हो जाएंगे, पॉइंट्स वाले भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। अब देखो 100 माइनस एल करना है तो 100 में से घटाना है, ये काम बाद का है, ठीक है। फिर भाग दे के गुणा करके उत्तर निकालना, वो यहाँ लिखना है, 2 ओम के लिए निकाल लेंगे। अब क्या करो आप, 2 ओम का निकालना है तो 1 ओम का तो बंद कर दो, और 2 ओम का इसमें रेजिस्टेंस में बॉक्स में क्या रहता है, जितनी की आपने निकाल रखी है उन्हीं को श्रेणी क्रम में नीचे तार जुड़ी हुई है, इसीलिए उनको जोड़ दो आप। जैसे 1 और 2 की निकाल लेंगे तो 3 ओम का प्रतिरोध है, 4 का चाहिए तो 2 और 2 की दोनों निकाल लो, 5 का चाहिए तो 2, 2, 1 तीनों निकाल लो, 5 हो गया, अकेला 5 का भी है तो अकेला 5 का निकाल लो, बाकी सारे बंद कर दो, बस सिंपल सा जोड़ करना है। तो अब मैं ले लेता हूँ 2 ओम की वैल्यू, प्रतिरोध हमें पता है लंबाई के समानुपाती है, तो रीडिंग लेते समय ये बात पता होनी चाहिए पिछली रीडिंग से ज़्यादा आएगा मान, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से घिसते हुए आए, आप थोड़ा टच करके देख लें, उससे आगे का ही मान हमें प्राप्त होने वाला है। तो जैसे ये मान आ गया यहाँ, ये ध्यान रखना कि लूज नहीं हो, अगर लूज रह जाएगी तो भी रीडिंग सही नहीं आएगी, ये ध्यान रखें, ये मान आ गया यहाँ, तो यहाँ मान आया है 44 के समथिंग है, 44.1 है, तो आप प्रतिरोध लिख दो कितना ओम, 2 ओम, मान आ गया 44.1 ओम, 1 सेंटीमीटर सॉरी, इसको 100 में से घटा लो, गुणा भाग कर लो, ठीक है, वो आंसर आ जाएंगे आपका। अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे, सारे मान आ जाएंगे, उनका माध्य निकाल लो, सभी जितने मान लिए हैं अपने, 5 लिए तो 5 को जोड़ के 5 का भाग दे दो, 4 लिए तो 4 को जोड़ के 4 का भाग दे दो, राजस्थान बोर्ड की बात करें तो ऐसे में लगभग 6 रीडिंग मानने हैं, 6 रीडिंग लेनी होती है, तो उसके लिए क्या करो, 6 रीडिंग को जोड़ के 6 का भाग दे दो, कैलकुलेशन वर्क करना हमें फाइल के वाइट पेज पर, और उसका मान जो उत्तर आए वो उत्तर हमें यहाँ लिखना है। अब आती है मेन बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारी रीडिंग सही नहीं आती है, जैसे देखो ये आगे 44, 3 ओम पे निकाल लेंगे, 3 ओम पे निकाल लो, तो 1 और 2 निकाल लो, ये मैंने 3 ओम निकाल लिया, तो मान क्या गया, इससे थोड़ा और आगे का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ये मान आ गया यहाँ लगभग, देख लीजिए इसको फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तो ये मान आ रहा है लगभग 51.2 के समथिंग आ रहा है, तो ये निकाल लिया मैंने 3 ओम पे और मान आ गया 51.2 सेंटीमीटर, 100 में से घटा देंगे, गुणा भाग करके यहाँ उत्तर लिख देंगे। अब देखो मेन दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर दिक्कत यह आती है कि मान सीधा 80 से ऊपर ही जा रहा है, 1 ओम पे ऊपर जा रहा है, 2 ओम कर दिया तो सीधा 100 के नज़दीक लग गया, अब 3 ओम का मान कहाँ जाएगा, आगे तो वायर ही नहीं है, कैलकुलेशन तो हमें 100 से करनी है, और उसकी अच्छी कैलकुलेशन जो मानी जाती है वो 40 से 60 के बीच में मानी जाती है, 40 से 60 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, 70 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर 35 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक्चुअल वैल्यू जो होती है, रिजल्ट जो है वो अच्छे माने जाते हैं, एपरेटस सही वर्किंग कंडीशन में माना जाता है, यानी वो कुल मिला के अच्छी वैल्यू ली जाती है। तो इससे ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, सारी प्रॉब्लम आती है इस वायर से, अभी देखो मैं आपको चेंज करके दिखा दूँगा ये सारा काम।
ये अभी हमने 3 ओम पे रीडिंग लिया और 3 ओम पे रीडिंग आ रही है 51.2 जो सामने लिखी हुई है, 3 ओम पे वहां से रेजिस्टेंस निकला है। अब मैं इसको चेंज देखो आगे कि अब मैंने क्या किया है, इस वायर को छोटा कर दिया, थोड़ा नहीं है क्योंकि इसी में हम लेंथ बदल के देख ले, इसलिए यहाँ तक दौड़ दिया। अब ये वायर देखो हवा में खुला मेरे पास, यानी वायर इतना यूज हो रहा है, इसका करंट आगे जा रहा है। अब हम देखें इधर थोड़ा सा आगे कर ले इसको, आगे करके देखें। अब देखें इसको कि जब आप एक तरफ इस तरफ लगा रहे हैं ये कुंड जो कि, तो देखो इस तरफ आ रहा है विक्षेप राइट साइड में, और जब इधर लगा रहे हैं तो भी किधर आ रहा है, राइट साइड में। दोबारा दिखा देता हूँ, मैं इधर कर रहे हैं तो भी राइट साइड में, और इधर कर रहे हैं तो भी राइट साइड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज रीडिंग जो हम लेते हैं और जो हमारी एक तरफ विक्षेप आता है वो इस वायर का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न वो इस ये वायर है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ध्यान रखें इस वायर की जो लेंथ है, क्योंकि प्रतिरोध के समानुपाती होता है जो लंबाई जो होती है, तो यहाँ पर भी वो प्रभाव डालती है। इसलिए अगर आपका विक्षेप एक तरफ आ रहा है तो सबसे पहले तो आप सर्किट जांच कर लें, कोई पिछले साल का अगर पड़ा साफ नहीं है, जंग लगे हुए हैं तो एक बार पेच वेच खोल के थोड़ा सा साफ कर लें तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात प्रतिरोध बॉक्स का ध्यान कर लें। तीसरी बात फिर आ जाइए यहाँ, अगर आपने वो पूरा चेक कर लिया है तो फिर बार बार उलझने की जरूरत नहीं है, खोल खोल के दोबारा करते हैं हम। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी जब मैं भी पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में इतना, तब मैं भी यही करता था, पहले इनको खोल लिया दोबारा लगा दिया, फिर नहीं आ रहा, फिर दोबारा लगा दिया, सेल बदल के देख ली, जल्दी सेल नए यूज़ कर रहे हैं हम, फिर भी दूसरे भी नए सेल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आप स्टेप बाई स्टेप चलें, सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स की जाँच कर लें, उसके बाद में सारे जो वायर हैं वो अगर पुराने भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से थोड़ा घिस लें उनको तो उनके ऊपर जंग वगैरह लगी, मिट्टी वगैरह अट जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आ जाएँ फिर इस बात पे, फिर भी सही नहीं हुआ तो अब आ जाए इस बात में, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, 100% सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करें इसकी लेंथ चेंज कर करके देखिए। अब मैंने लेंथ बिल्कुल कम कर दी तो देखो इस पे हमें विक्षेप दोनों तरफ मिल ही नहीं रहे तो संतुलन मिल नहीं सकता, प्रयोग हो ही नहीं सकता, ये कभी सेट ही नहीं होगा। फिर आप क्या करो, अब देखो मैं इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ, ये अब मैं इतनी वायर लगा देता हूँ, इतनी वायर, और ये मैंने पेच कर दिया, अलग अलग वायर लेंथ बढ़ा के देखते हैं, हमारे अलग रिजल्ट आए हैं हमारे सामने। अब बढ़ा के इतनी लगा दी, अब देखें इस पर तो इधर देखें आ गया विक्षेप, इस तरफ आ गया, जैसे यहाँ टच किया तो लेफ्ट साइड में आ गया, पहले दोनों राइट साइड में आ रहे थे, अब देखो लेफ्ट साइड में आ गया ये, और इस तरफ टच करेंगे तो राइट साइड में आ गया ठीक है। तो अब ये रीडिंग दे देगा हमें इजी वे में, दे देगा। अब दिक्कत क्या हो सकती है कि रीडिंग जैसे पहली रीडिंग 60-70 पे आ गई, दूसरी 90 पे पहुंच गई, अब क्या करें, रीडिंग तो हमें ज़्यादा चाहिए एक्सपेरिमेंट में, तो इतने से तो काम चले नहीं, तो क्या करो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा दो उसकी, फिर रीडिंग भी प्रॉपर वे में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका कंक्लूजन, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी, और आप इसका कनेक्शन जहाँ मान लो कहीं टीचर्स नहीं अवेलेबल है जिन स्कूलों में, और वहाँ सामान वगैरह है अवेलेबल, कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आप इन सहायता से आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं करके, कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो। जैसे हमारे किसी साथी ने बताया था कि वायर टूट जाए तो क्या करें, उसको कैसे चेंज करें, तो हम एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। ये वायर टूट गया था हमारे पास पिछले साल, इसके अंदर देखो लगा हुआ नहीं है, फिर हमने काट के इसको एज ए रेजिस्टेंस वायर के रूप में इसी का यूज़ कर रहे हैं हमने। तो अब इसमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे वायर जोड़ना है, वो प्रैक्टिकली हम देख लेंगे जोड़ने में, से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पेज खोलेंगे हो जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर वे में इसको करके देखेंगे तो कोई करे आगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जहाँ मेनली टीचर्स की प्रॉब्लम है, जहाँ टीचर्स हैं हमारे साथी सारे एक से अच्छे हैं, तो वो तो बिल्कुल बहुत आपको प्रॉपर वे में सब करवा देंगे, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ के लिए खास तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को कि आप ये एक्सपेरिमेंट के कनेक्शन देखें, जहाँ गलतियाँ होती है वो पॉइंट देखें, हो सकता है याद नहीं रहे या पता नहीं रहे बाद में, तो आप क्या करें, तो आप उनको कॉपी में लिख लें उन बातों को कि यहाँ ये दिक्कत हो सकती है, यहाँ ये दिक्कत हो सकती है, और आप खुद करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा,
मजा भी आएगा करने में और इन फ्यूचर आपको उसका फायदा मिलेगा और याद भी रहेगा आपको, मतलब मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे आपकी मेहनत में, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये आगे हम इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट हम डाल चुके हैं मीटर ब्रिज का, शायद श्रेणीक्रम डाला था सामान तक मेरे को हम याद नहीं है, मैं देखूंगा प्लेलिस्ट के अंदर है, प्रैक्टिकल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इसके अंदर हैं। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल आपको करने हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब इसमें देख लेंगे जो श्रेणीक्रम रह गया तो हो गया है, तो समांतर क्रम रह गया जो भी रहा है उसका एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट इसमें डाल देंगे। अभी हम कल एक वीडियो बना के डालेंगे जिसके अंदर फाइल कैसे बनाई जाती है, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है उस पर हम बात करेंगे, वो भी आप देख लें। किसी तरह की दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, कभी कभार नहीं भी कर पाता, जेन्युइन जो भी बात होती है उनका जरूर रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप कोई भी ऐसी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हिंदी संकोच बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हर टाइम हम आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।